भगवान बद्रीनाथ के कपाट बंद होने के बाद बद्री विशाल का वाहन गरुड़ और आराध्य गद्दी जोशी मठ के नृसिंह मंदिर पहुंची, जहां पर दोनों देवताओं के पारंपरिक रीति रिवाज से पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद जोशी मठ में भक्तों के हुजूम और बद्री नारायण के उद्घोषों के बीच डोरे को दर्शनार्थ नृसिंह साथ ही महालक्ष्मी मंदिर के द्वार के मध्य रखा गया, जहाँ पर भक्तों ने पुष्प वर्षा कर भगवान बद्रीनाथ और नृसिंह से मनौतियाँ मांगी। इस अवसर पर सैकड़ों की तादाद में भक्त मौजूद रहे। ये यहाँ पर जो हम भगवान बद्री विशाल के द्वार से और नीचे उतरे हैं, आज प्रातः योग ध्यान मंदिर पांडुकेश्वर में भगवान के स्वरूप जो उद्धव जी हैं वहाँ पर प्रतिष्ठित करते हुए कुबेर जी के मंदिर में प्रतिष्ठित करते हुए और आज हम अभी भगवान नृसिंह के द्वार पर पहुंचे हैं। यहाँ पर भगवान बद्री विशाल जी की जो गद्दी है, यहाँ पर अब विधिवत और भगवान शंकराचार्य जी की गद्दी के रूप में यहाँ पर प्रतिष्ठित की जाती है। यहाँ पर आते ही सबसे पुनः पहले भगवान गणपति जी के दर्शन हुए, उसके बाद माँ दुर्गा के दर्शन किए, वासुदेव भगवान के दर्शन करने के उपरांत और गणपति द्वार पर गणपति जी का और पंचमूर्ति यहाँ पर 1685 से विधिवत पूजन कर दिया गया। इसके बाद भगवान कृष्ण की आरती उतारी जानी है और आरती उतारने के बाद और भगवान जगदूर शंकराचार्य जी की जो गद्दी है उनके मूल स्थान पर और उसे रखा जाएगा। शालीन पूजा देवताओं के द्वारा बद्रीनाथ जी में होगी और जो अलग अलग मूर्तियां हैं कुबेर जी की, गरुड़ जी की, ये सब अलग अलग गांव में चली जाती हैं। गरुड़ जी की मूर्ति जोशी मठ आई है और यहां पर उनकी 6 महीने तक पूजा होती रहेगी और उन्हीं के रूप में भगवान विष्णु की आराधना मनुष्य यहां पर करते रहेंगे, देवता बद्रीनाथ गांव में करते रहेंगे। बता दें कि बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद होने के बाद भगवान के भाई उद्धव और खजांची यानी कि खजाने के रक्षक कुबेर की प्रतिमाएं पांडुकेश्वर गांव पहुंचती है, जहां पर इन दोनों देवताओं की शीतकालीन पूजाएं होती हैं। तो वहीं भगवान बद्रीनाथ के वाहन गरुड़ और आराध्य डोली जोशीमठ के नृसिंह मंदिर आती है और यहां पर भगवान की शीतकालीन प्रतीक मानव पूजाएं संपन्न होती है। वैदिक मान्यताओं के अनुसार कपाट बंद होने के बाद बद्रीनाथ धाम में मानव प्रवेश वर्जित माना जाता है और इस समय भगवान बद्रीनाथ की पूजा देवताओं द्वारा की जाती है। नारद मुनि देवताओं के पुजारी के रूप में शीतकाल में बद्रीनाथ जी की पूजा करते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चमोली से पूरन भिलंगवाल की रिपोर्ट।